हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू महिराज चैनल। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ फिंगर चिप्स। बहुत ही नए स्टाइल में बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत पसंद आती है। ये आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। ये आप कभी भी लंच बॉक्स में बच्चों को या शाम को बना के खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। ये दोस्तों बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं। इसके लिए ये मैंने पोटैटो लिया है, इतने बड़े लंबे में लिया है, और मैदा लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, और थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, और ये चावल का आटा है, और नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और ये है ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनना है इसको, तो पहले हम इसको कट करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ये पोटैटो को हम इस तरह से कट कर लेंगे, ऐसे लंबे में कट करना है इसको। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमें कट करना है, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से ऐसे कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, सारे पोटैटो को हमें इस तरह से कट करना है, और इसको पानी में हम भिगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे पोटैटोस को कट कर लिया है, और अब हम इसको पानी में, इस तरह से पानी में हम डिप कर देंगे सबको। ये देखिए, मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें पोटैटो को डाल देंगे। जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है, हम ये जो मैदा मैंने लिया था, इसको इसका घोल बना लेते हैं, और इसमें 1 टीस्पून मैं ये चावल का आटा मिक्स करूँगी, और इसमें ये जो काली मिर्च मैंने दिखाया था आपको, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, और नमक हम पानी में भी ऐड करेंगे जो बॉयल करने के लिए रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से हम घोल बना लेते हैं, पतला सा, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से घोल बना के। देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है पोटैटो को, बस एक बॉयल आने के बाद हम इसको निकाल लेंगे, और ये मैंने घोल भी तैयार कर लिया है, इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए, तो इसको रख देते हैं। ये देखिए, तो पोटैटो जो हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है, बस इसको 1 मिनट तक हम पकाएंगे और इसको निकाल लेंगे। बस इसको हल्का सा नरम होना है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वरना ये टूटने लगेगा, तो बस थोड़ा सा और हो जाए हम इसको निकाल देंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, 1 मिनट हो गए, गैस में बंद कर देती हूँ, और इस तरह से इसको निकाल लेंगे हम। ये, और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने पोटैटो को ये पहले ये कपड़े पे हम निकाल लेंगे ताकि इसका पानी सारा खत्म हो जाए। इस तरह से सारे पानी को हमको सुखाना है, और ये ठंडा हो जाए फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, पोटैटो हमारे पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं, और ये जो मैंने घोल बनाया था, ये घोल भी अच्छे से सेट हो चुका है, तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे, और ये जो मैदे का घोल बनाया है, इसमें हम एक एक करके डिप करेंगे इस तरह से। पहले मैदे में डिप कर लेंगे, और उसके बाद इसमें इस तरह से ऐसे करके सारे को पहले हम थोड़ा सा बना के रख लेंगे, और उसके बाद फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, इसको हम डालते जाएंगे इस तरह से, इस तरह से मैदे में डिप करेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको इस तरह से डाल देंगे। सारे पोटैटो, जितने पोटैटो हमने काट के रखे हैं, सबको इस तरह से हमें डालना है, और गैस का फ्लेम फुल कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारे पोटैटोस को इस तरह से डाल दिए हैं, और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, गोल्डन फ्राई। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, थोड़ा सा स्पेस बना के ही डालना है इसमें। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची बनता है,
बच्चों को बहुत पसंद आता है ये, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा ये हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ, ये बच्चे बड़ों सबको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से अब इसको हम पलट देते हैं और इसको भी गोल्डन फ्राई होने तक इसको फ्राई करेंगे गोल्डन। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है गोल्डन कलर, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है ये, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम निकाल लेते हैं और सारे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे इसी तरह से फ्राई करके निकाल लिए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के प्लेट। ये देख सकते हैं आप कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची बने, इसकी साउंड भी आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फिंगर चिप्स बनके तैयार है बिल्कुल न्यू स्टाइल में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची बनी हुई है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।